दरगाह कमेटी की वार्षिक साधारण सभा सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग सभागार में आयोजित हुई। बैठक में वर्ष 2021-22 के लिए दरगाह कमेटी के लिए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद के लिए चुनाव हुए। 9 सदस्य कमेटी ने अमीन पठान को तीसरी बार दरगाह कमेटी चेयरमैन चुना। वहीं नायब सदर के लिए एक बार फिर से सैयद बाबर अशरफ को चुना गया। दोनों ही पदाधिकारियों को सभी ने बधाई दी। इसी के साथ सभी ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का भी कुशल नेतृत्व के लिए शुक्रिया अदा किया। जी, आज जो इंतखाबात वगैरह हो रहे हैं उसके बारे में आपको बता दें। देखिए, आज दरगाह कमेटी दरगाह ख्वाजा साहब की एनुअल मीटिंग थी और इसके अंदर आज जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी था और बाकी एजेंडे में और भी चीज़ें थी, तो आज मीटिंग हुई। और मीटिंग के अंदर जिस तरीके से हमारी जो कमेटी के तमाम जो मेम्बरान हैं, उन्होंने जो पिछली बार दो बार जो यूनानी मसली सब लोगों ने आपसी मशवरे से जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को जिम्मेदारी दी थी, तो इस बार मुझे फिर से एक बार और जिम्मेदारी मिली है। तो मैं तमाम मेम्बरान का मैं शुक्रगुजार हूँ और साथ में जो हमारे जो मिनिस्टर है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब का भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पे और हमारी पूरी कमेटी पे भरोसा किया है। हमारे नए जो जिनका इंतखाब हुआ है, जो पहले फर्स्ट ईयर में भी जो वाइस प्रेसिडेंट थे जनाब सैयद बाबर अशरफ साहब, मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा। और हमारी कमेटी ने जो चैलेंजेस जो हमारे सामने थे कि किस तरीके से जो गरीब नवाज में आने वाले तमाम जो मुल्क भर से और पूरी दुनिया से जो जायरीन आते हैं, उनको बेहतर इंतजाम मिले, उनको कोई तकलीफ ना हो, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और बहुत सारे काम हमारे पाइपलाइन में है, बहुत सारे काम हमारे लगातार चल रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तमाम काम जो है इंशाल्लाह इस साल पूरे हो जाएंगे और कुछ नए काम भी हम करने जा रहे हैं। तो अभी हमारी 27th को मीटिंग है, तो मैं समझता हूँ कि ये जो साल था, ये कोविड वाला साल भी था, ये जो कोरोना महामारी से भी सब लोग ग्रसित थे, तो दरगाह कमेटी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ, हमारे एम्प्लॉयज ने, हमारी पूरी कमेटी ने जो है जायरीन जो फंसे हुए थे अजमेर शरीफ में, उनको भेजने के लिए बहुत जिम्मेदारी से उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उनको अपने घरों पर पहुँचाया, उनके खाने का रहने का इंतज़ाम किया। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर भी हम जो जायरीन की सुविधाओं के लिए और दरगाह के अंदर किस तरीके से क्लीनिंग हो, दरगाह का एक जो मैसेज, जो गरीब नवाज की जो तालीमात थी, उनकी जो जो शिक्षा थी, जो अमन मोहब्बत और पीस और भाईचारे की, उसको हम पूरे देश में कैसे फैला सकते हैं, वहाँ से एक मैसेज दे सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। और मैं तमाम जो हमारे मेम्बरान हैं, उन्होंने मुझ पर भरोसा किया, उसके लिए मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार जो भरोसा किया है हम उसको पूरा करेंगे और दरगाह की बेहतरी के लिए तमाम जो काम है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे।